दोस्तों, दुनिया दिन ब दिन बदल रही है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, और ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं जो सिर्फ अपने मेकअप के पीछे लाखों करोड़ रुपए खर्च कर देते हैं, क्योंकि इंसान खूबसूरत बनना चाहते हैं और इसके लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन हद से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी कराने की वजह से उन लोगों के शरीर का क्या हाल हो चुका है, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, इथन ब्रम्बल। सबसे पहले बात करते हैं इथन ब्रम्बल के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले शख्स पहले बहुत ही हैंडसम दिखते थे, लेकिन उनको अपने शरीर में टैटूज बनाना बहुत ही पसंद था। आज उनके शरीर में इतना ज्यादा टैटूज है कि आप उनका स्किन नहीं देख पाएंगे। आज सब लोग उनको टैटूड मॉड बॉय नाम से जानते हैं। यंग जनरेशन इथन को अपने स्टाइल आइकॉन मानते हैं। पूरे ऑस्ट्रेलिया में उनका काफी बड़ा फैन बेस है। उनका शरीर को देख के आप समझ सकते हैं कि यहाँ कितना ज्यादा टैटूज बने हुए हैं। ये सब बनाने के लिए उसे बहुत कुछ झेलना पड़ा था। इसके अलावा वो अपने माथे पर भी टैटूज बनवाए हैं। वो टैटूज के पीछे इतना पागल है कि अपने आंखों पर भी टैटू बनवाए हैं। लेकिन इतना खतरा उठाना एक आम आदमी की बस की बात नहीं है। आंखों में टैटूज बनवाने से पहले डॉक्टर्स ने उसे बहुत बार मना किया था, क्योंकि इससे वो अंधा हो सकते हैं। लेकिन इथन ने उन लोगों की एक भी बात नहीं माना। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट पर करीब 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर है। इस टैटूज की मदद से आज वो $1,00,000 की मालिक है, और उनके पास एक खूबसूरत बीबी भी है। नंबर 2, रोड्रिगो अल्बस। प्लास्टिक सर्जरी की इतना शौकीन व्यक्ति आप पहले नहीं देखा होगा। रोड्रिगो बचपन से ही खुद को एक डॉल की तरह बनाना चाहता था। इसके लिए वो अपने शरीर में 40 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाए हैं। इस वजह से वो बहुत बार मौत की मुंह में भी चला गया था, लेकिन उसका जान बच गई। फिर भी वो रुका नहीं। सिर्फ 17 साल की उम्र में अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके वो पहली बार अपने शरीर में प्लास्टिक सर्जरी करवाए थे। इसके बाद से वो हर साल अपने शरीर में 5 से 6 सर्जरी करवाते हैं, और हर साल वो इसके पीछे 60 से 70 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, और ये सब पैसा उनकी पेरेंट्स देते हैं, क्योंकि रोड्रिगो काफी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। आज वो पूरी तरह एक डॉल की जैसा दिखते हैं, लेकिन इतना सारा सर्जरी करवाना आसान नहीं था। ज्यादातर इतना ज्यादा सर्जरी करवाने से इंसान की मौत हो जाते हैं। ऐसे एक बार रोड्रिगो ने भी कुछ महीने के लिए कोमा में चला गया था, लेकिन उसका जान बच गई। नंबर 3, पिक्सी फॉक्स। पिक्सी फॉक्स दिखने में तो काफी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी वो अपने शरीर पर सबसे खतरनाक प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। उनके अपर बॉडी और लोअर बॉडी को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो कितना क्रिटिकल सर्जरी है। वो अपने एक सर्जरी के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। बचपन से ही उनको मेकअप की चीजों में काफी दिलचस्पी था, और इसी शौक के चलते वो अपने कमर को इतना पतला बनाई है। लेकिन फिर भी उसने रुका नहीं। 0 फिगर पाने के लिए वो शरीर की काफी सारे हिस्से को निकाल चुकी है, इसलिए अब वो कोई भी खाना नहीं खा सकते। उसे सिर्फ सूप खाना पड़ती है। नंबर 4, सैंडी जैक्सन। इस महिला को देखकर आपको क्या लगता है कि इसकी उम्र कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 40, लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सैंडी का उम्र है 60 साल, और कोई भी ये बात यकीन नहीं करता, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, और इनकी खूबसूरती नेचुरल नहीं है। इसे पाने के लिए वो 50 से ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। वो हर महीने कुछ ना कुछ सर्जरी करवाती हैं। उनके पिताजी की मौत के बाद वो फास्टेशन में चली गई थी, और इसी से राहत पाने के लिए उसने इसकी शुरुआत की। पहले उसे मजे के लिए ऐसा करती थी, लेकिन बाद में वो इसके पीछे पैशनेट हो गई। उसकी उम्र बढ़ने के साथ साथ सर्जरी की खर्च भी कई गुना बढ़ चुकी है। अब वो 60 साल की है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। सैंडी ने कभी भी शादी नहीं की, क्योंकि उनका सोचना था कि शादी करने से उनकी इंडिपेंडेंट लाइफ खत्म हो जाएगा, और मेकअप के पीछे वो साल भर करोड़ रुपए खर्च करते हैं। नंबर 5, डेनिस अबनर। इस महिला का नाम है डेनिस अबनर, और ये कोई टाइगर नहीं है, लेकिन ये बचपन से ही बाघों की तरह दिखना चाहते थे। टाइगर जैसा लुक पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि टाइगर की तरह दिखने के लिए उसने अपने होंठों को भी बीचों बीच काट चुके हैं, और अपने दांतों को भी मॉडिफाई करके टाइगर की तरह बना ली है। अब तक वो कुल 27 प्लास्टिक सर्जरी करवा चुकी है। उसके कहना है कि जब तक वो पूरी तरह से टाइग्रेस नहीं बन जाते, तब तक वो ऐसा ही करती रहेगी। वो हर महीने नई नई सर्जरी करवाती है। वो जब बाहर जाते हैं तो लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं।
वो बाघों की तरह अपने मूंछ भी बनाई हैं। इसे देखकर कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोगों की बहुत ही हंसी आते हैं, लेकिन वो अपने पैशन के लिए बहुत ही डेडिकेटेड है। नंबर 6, एरिक स्प्रैगू। दोस्तों, अपने अमेजिंग स्पाइडरमैन की लिजर्ड के बारे में तो जानते होंगे, जो इंसान से खतरनाक छिपकली बन जाते हैं। वैसे ही अमेरिका में रहने वाले एरिक बचपन से छिपकली बनना चाहता था। इसके लिए वो अपने पूरे शरीर में हरे रंग का टैटू बनाया है। सिर्फ यही नहीं, वो अपने दांतों को भी मॉडिफाई किए हैं और अपने जीभ को भी बीचों बीच कटवा चुके हैं, जिससे वो दिखने में छिपकली की तरह लगे। बचपन से छिपकली के प्रति उसका काफी दिलचस्पी था। अब सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर फेस है, लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं था। उनका पेरेंट्स और दोस्तों ने उसे कभी भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एरिक ने किसी का भी बात नहीं माना और वो अपने पैशन को लेकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 7, मारिया क्रिस्टाना। ब्राजील में रहने वाली इस महिला को देखकर आपको किसी भी चुड़ैल या फिर डाइन लग सकते हैं, लेकिन ये एक इंसान है। पहले वो इतना बदसूरत नहीं थी, हालत ने उसे इस तरह से बदल दी। वो पहले एक साधारण सा हाउसवाइफ थी, लेकिन शादी के बाद उसके साथ हादसा हो गई। उनकी पति एक शराबी था और शराब की नशे में उन्हें पीटता था, इसलिए वो अपने पति को छोड़ दिया और एक मॉडल बन गई। आज वो ब्राजील की टॉप सोशल वर्कर है और जहाँ भी जाते हैं लोग उनके साथ फोटो खिंचाने के लिए भीड़ लगाते हैं। वो अपने पूरे शरीर में हजारों से भी ज्यादा टैटूज करवा चुकी हैं। उनकी लड़ाई डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ है और इस काम में वो काफी हद तक सफल भी है। नंबर 8, नताशा क्राउन। इस महिला को देखकर आप हैरान हो जाएंगे। स्वीडन में रहने वाले नताशा एक प्रोफेशनल मॉडल है। जहां आजकल महिलाएं जीरो फिगर पाने के लिए कुछ भी कर रही हैं, वहीं नताशा दुनिया की सबसे बड़े बाट बनाना चाहती हैं। इसके लिए वो हर दिन बहुत सारे खाना खाती हैं, जिससे उनकी वजन बढ़ जाए, और ऐसे ही वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुकी हैं। अब वो दुनिया की सबसे मोटे बाट का मालकिन है। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से आप सबसे अजीब किसे मानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, अनोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। गुड बाय।